सत श्रीकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों आप जी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली सिकू बार्डर से लगी स्टेज के उपर पहुंचे हैं, जिथे तुम देखा कि खचा खच किसानों के नाल भरी हुई जिहड़ा पंडाल है, उहदे विच किसान जिहड़े आ वख-वख बुलारियां दीआं गल्लां सुन रहे ने। किसानी संबंधी बहुत वड्डे भाषण दिते जा रहे ने ते मोदी सरकार के खिलाफ गल की जा रही है। तुसीं देख रहे हो कि किसान वड्डी पद्धर दे उत्ते इत्थे हाजिर हो रहे ने ते बड़े चंगे ढंग दे नाल इत्थे बैठ के भाषण सुन रहे ने ते किसानी दे संबंध दे विच चढ़दी कला दे प्रतीक जयकारियां दीआं गूंजां इत्थे पै रहीआं ने ते किसान जयकारियां दी जिहड़ी आवाज़ आ उहदा बाहां खड़ियां करके झंडियां दे नाल हौसले बुलंद करके जवाब दे रहे ने। संयुक्त मोर्चा दी स्टेज दे पिछले पासे खलोते आ, इत्थे जिथे वख-वख बुलारे संबोधन कर रहे ने उत्थे पंजाबी गायक भी साडे नाल जुड़े हुए ने। हुण इहनां नाल गल करनी चाहांगे कि की कह रहे। सारियां तों पहलां तां जी जिन्हें भी इत्थे शहीद होए ने दिल्ली आले मोर्चे ते साडे जिहड़े धरनियां ते, सो उहनां नूं साडे वल्लों श्रद्धांजलि दिंदे आ असीं। ते दूसरी गल जी, तुहानूं पता ही है कि 4 महीने तो चल रहा, पहलां पंजाब च सी ते हुण आपां दिल्ली बैठे हां 2 महीने तो, सो वधिया लगदा इत्थे आ के, क्योंकि दुख वाली गल तो है कि असीं संघर्ष सानूं करना पै रहा है, ये तो साडे हक सानूं बिना मंगे ही मिलने चाहिए ने, सो सानूं मंग के भी नहीं मिल रहे। और खुशी इस गल दी है कि आपां सारे इकट्ठे हाँ, सो ये साडे लई बहुत माण वाली गल है और बहुत ही वधिया लगता कि आपां सारे भैण भरा इकट्ठे हाँ, सो कामयाब होवांगे जी जरूर, साडे हक सानूं मिलणगे, हक लैके ही जावांगे। और साडा ये तीजा गेड़ा और असीं एक एक हफ्ता ला के गए हैं, 2 बार पहला भी तो हुण तीजी वारी आए हैं, सो हक तो जी लैके ही जाना, पंजाबी तो कदे छड्डदे ही नहीं हुंदे जिहड़ी आपां, क्योंकि असीं नजायज़ मंगदे नहीं तो अपना हक असीं छड्डना नहीं, सो असीं ये लैके ही जाना। मोदी सरकार नूं झुकना ही पैना और साडी मननी ही पैनी है, एंड इत्थे ही होना, जिन्ना मर्जी लंबा चला जाए संघर्ष पर इहदा एंड इत्थे ही आ कि उहनां नूं साडी गल मननी ही पैनी है। संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो संबोधन करके उतरे पंजाब के प्रसिद्ध गायक गुरदेव पदरी जी ने गल करनी चाहवागे। गुरदेव पदरी जी, संघर्ष बारे की कहना चाहते हो। संघर्ष इस वे सिरे दे आ भाई, तो हुण मैं एक गल कहना चाहना, जिहड़े रह गए पंजाब तो दिल्ली आने वाले रह गए, उन्होंने एक बेनती भी आ जाओ हुण, क्योंकि मोदू ढाया पाया, मोदी ढाया पाया, फिर यह ना कहे कह यार मेरे तो नहीं जाया गया, मेरे तो नहीं जाया गया, हुण ये आ हुण ढाउण दी वारी आ ते काम आ सिरे ते, ते हुण सानू रल मिल के इहनूं ढाउणा चाहीदा। जिहड़े काले कानून तिन्ने ने बणाए आ इह रद्द करवा के ही जावांगे, इह निश्चय आ साडा पक्का, तुहानूं पता पंजाबी जो कहिंदे उह करदे आ, ते हुण कर ली बैठे आ, ते मेरी अपील आ सारिआं नूं कि इत्थे दिल्ली मोर्चे आपां आपणा सहयोग पाया जावे। हांजी, तुसीं वी इक किसानी दे नाल जुड़े पंजाबी गायक जे ते पंजाब 'च रहिण वाले हो, वड्डी पद्धर दे इत्थे उत्ते किसान जिहड़े आ धड़ा धड़ ट्रालियां दे नाल इत्थे पहुँच रहे ने, हरियाणे दा वड्डा सहयोग है, देश वासियां दा सहयोग है, सरकार अड़ी कर रही है, कि तुहानूं लगदा भी इहदी अड़ी जिहड़ी अड़ी रहेगी। वेखो जी, अड़ियां तां नहीं रहिणियां इहनां दीआं, ओह अड़ी तां क्यों कर रहा है, प्रधानमंत्री तां है ही नहीं ये, इहदा चौकीदार पहलां कहिंदा सी चौकीदार साडा नहीं ये, इह अडानी अंबानी दा चौकीदार आ, उहनां दे गजर साहिब आया होया, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੱਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ
साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी, यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।